लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़े हो गया। जनता टीवी दे विच साडे सारे दर्शकों का जी आया, मैं हां नवनीत सिंह वधवा। कौन बनेगा एमपी दा कारवा पंजाब दे वक-वक हिस्सों तो होंदा होया अज पहुंचे मालवे दी सब तो हॉट सीट, सब तो हाई प्रोफाइल सीट, या ये कहिए कि सब तो चर्चित सीट बठिंडा विखे। बठिंडे की जनता साडे नाल मौजूद है, बठिंडे दे नुमाइंदे साडे नाल मौजूद ने। मसले आखिरकार की कुछ ने, किहड़े काम पांच साल छोए किहड़े नहीं होए, और अगला एमपी बठिंडे की जनता किहड़े मसलियां नूं लैके चुनेगी, अज गल इहदे ते ही होएगी। सो जिहड़े खास मेहमान अज दी इस चर्चा दे विच साडे नाल जुड़नगे, मैं उहनां दा तारुफ तुहाडे तों करा दिंदा कि किहड़े किहड़े खास मेहमान अज जिहड़े साडे नाल इस चर्चा दे विच जुड़े ने। पर उस तों पहलां बठिंडे दी जिहड़ी जनता जिहड़ी साडे नाल मौजूद है, मसले इहनां दे की कुछ होणगे उहनां दी गल करांगे। और जिहड़े खास मेहमान साडे नाल जुड़ चुके ने, बलवंत राय नाथ जी जिहड़े कि श्रोमणी अकाली दल तों ने और बठिंडा शहर दे मेयर भी हैगे। सर जी आए बहुत बहुत। इस तों इलावा साडे नाल ने राजन गर्ग जी जिहड़े कि सकत्तर भी ने पंजाब कांग्रेस दे। राजन जी थोड़ा भी जी आया। इस तों इलावा साडे नाल विनोद बिंटा जी ने जिहड़े कि जिला प्रधान ने भारतीय जनता पार्टी दे। सो इस तों इलावा नवदीप जी दा जी साडे नाल आम आदमी पार्टी तों जिहड़े जिला प्रधान ने उह भी जुड़ चुके ने। सब तों पहलां चूंकि एम पी थोड़ी पार्टी दा हैगा, शहर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़े हो गए। जनता टीवी दे विच साडे सारे दर्शकों का जी आया, मैं हां नवनीत सिंह वधवा। कौन बनेगा एमपी दा कारवा पंजाब दे वक-वक हिस्सों तो होंदा होया अज पहुंचे मालवे दी सब तो हॉट सीट, सब तो हाई प्रोफाइल सीट, या ये कहिए कि सब तो चर्चित सीट बठिंडा विखे। बठिंडे की जनता साडे नाल मौजूद है, बठिंडे दे नुमाइंदे साडे नाल मौजूद ने। मसले आखिरकार की कुछ ने, किहड़े काम पांच साल छोए किहड़े नहीं होए, और अगला एमपी बठिंडे की जनता किहड़े मसलियां नूं लैके चुनेगी, अज गल इहदे ते ही होएगी। सो जिहड़े खास मेहमान अज दी इस चर्चा दे विच साडे नाल जुड़नगे, मैं उहनां दा तारुफ तुहाडे तों करा दिंदा कि किहड़े किहड़े खास मेहमान अज जिहड़े साडे नाल इस चर्चा दे विच जुड़े ने। पर उस तों पहलां बठिंडे दी जिहड़ी जनता जिहड़ी साडे नाल मौजूद है, मसले इहनां दे की कुछ होणगे उहनां दी गल करांगे। और जिहड़े खास मेहमान साडे नाल जुड़ चुके ने, बलवंत राय नाथ जी जिहड़े कि श्रोमणी अकाली दल तों ने और बठिंडा शहर दे मेयर भी हैगे। सर जी आए बहुत बहुत। इस तों इलावा साडे नाल ने राजन गर्ग जी जिहड़े कि सकत्तर भी ने पंजाब कांग्रेस दे। राजन जी थोड़ा भी जी आया। इस तों इलावा साडे नाल विनोद बिंटा जी ने जिहड़े कि जिला प्रधान ने भारतीय जनता पार्टी दे। सो इस तों इलावा नवदीप जी दा जी साडे नाल आम आदमी पार्टी तों जिहड़े जिला प्रधान ने उह भी जुड़ चुके ने। सब तों पहलां चूंकि एम पी थोड़ी पार्टी दा हैगा, शहर दे मसले थोनू ज़्यादा बेहतर पता ने चूंकि आप मेयर हैगे हो, लगता कि पांच साल उस हिसाब का काम होया जिहड़ा होना चाहिए सीगा जी? जो लोगों दीआं मुढ़लियां सहूलतां होंदियां, जे असी गल कर लिए कि इंसान दे जां बच्चा जां कोई भी है उसनू जिहड़ी मुढ़ली जिहड़ी सहूलत है, उसनू बिजली पानी ते सड़कां और विद्या और जिहड़ा सेहत संबंधी उहनू जरूरी सब तो पहलो मनुख की जरूरत जो है, सो उस दे विच मैं गल कहांगा कि बठिंडे दे अंदर जिस तरह की 100% पीण वाला पानी, श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी दे साडी कारपोरेशन और जदों साडी सरकार सी पंजाब दे अंदर सरदार प्रकाश सिंह बादल जी मुख्यमंत्री सी, उदों असीं 100% पीण वाला पानी ते 100% बठिंडे दे अंदर सीवरेज दा जो टेंडर कीता है, इस दे नाल ही जिहड़ा कि असीं जे असीं गल कर लईए इत्थे जिस तरह एम्स वर्गे होस्पिटल सेहत संबंधी, उस नूं असीं जिहड़ा हैगा बड़े जंगी पद्धर ते, चाहे मैरिटोरियल कॉलेज होवे भावें होर बथेरे बहुत कॉलेज ने इत्थे जिहड़े खोले गए ने सरदार प्रकाश सिंह बादल जी वल्लों। और मैं खास तौर पर विशेष तौर पर बीबा जी की अणथक मेहनत का बहुत ज़्यादा वो करना है भी जिन्ह ने सेंटर तो यूनीवर्सिटी जो कि साडे बच्चों नूं अति जरूरी जो कि सिक्ख्या का खेत्र जिहड़ा हैगा वो उत्ते चक्कण वास्ते किसी भी शहर की किसी जिले की या किसी स्टेट की तरक्की करनी हो शिक्षित जरूरी होना चाहिए है। और उस दे नाल जिस तरह कि असी कह दीए भी जिवें मनुख की जरूरत है लाइट की भी, और जिहड़ा कि पंजाब के अंदर लाइट का बिजली का सिस्टम है जिहड़ा
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੜਕ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੀ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਟ੍ਰੇਨ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੱਲ ਰਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ, ਗੱਲ ਰਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ, ਗੱਲ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਆਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ 17-18 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 14 ਸਿਮਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਜੀ? ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਦੀ ਬਦਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਨੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਖ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, 2 ਵਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਔਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੇ, ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਤੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਖੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ 20 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਊਗੀ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 20 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ 90% ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਜਿਹਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ 2 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਲਈ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਟ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਲੋਪ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪੱਟ ਲਿਆ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਲੋਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਜੇ ਇੱਥੋਂ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ। ਬਿੰਟਾ ਸਾਹਿਬ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ
कि कैप्टन साहब ने जिहड़ी विकास दी ली है उन्हूं पूरी तरह रोकिया होया, उन्हां दा इंटरस्ट ही नहीं है। ये जनता जानती है, वो जनता दे विच आके जवाब देन जो उन्होंने वादे किए थे उन्होंने पूरे करन दी बजाए जिहड़े साडे डिवेलपमेंट दे काम चल रहे सी उन्हां नूं भी रोकिया जा रहा है। जिहड़े मोदी साहब 18-18 घंटे काम करते हैं उन्होंने एक एम्स वर्गा प्रोजेक्ट दिता उस नूं भी रोकने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी वालों। ये माड़ी गल है, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। जनता एक वोट जिसकी कीमत कोई नहीं होंगी वो बड़िया आसा तो उम्मीदा लेके पाँदी है, उस वोट का जोड़ा मुल है वह नरेंद्र मोदी जी ने मोड़ा। 5 साल के कामकाज के 2 साल के कामकाज के वर्सिज है कितने वोट पाया जा, 5 साल के वर्क से पाया जा, 5 साल कि काम होया, 5 साल किन्ने मसले दूर हुए किसान आगू है। हाँ जी, मैं बेनती करता हाँ थोड़ा जा टाइम 4 मिनट वध लऊंगा। कांग्रेस ने जनता नाल वादे किए भी सोनू किसानों 2-2 लाख रुपया माफ करूँगा। अज तिकर किसी पिंड दे विच 2 किसानों तो वध पैसे नहीं आए। मैं वादा करके आदा किसानों नूं 5 पैसे नहीं दिते ने, पर इन्हें इसे बठिंडे दे विच सौं पा के गल करी सी भी मैं किसानों का 2-2 लाख रुपया सारा 2-2 लाख किधरे गया। जिन्ना जिन्ना करजा जिमीदार नूं दिता हैगा मैं टोटल माफ करूँगा, टोटल मैं आड़तियां नूं मोड़ूंगा, जिन्ना जिन्ना पैसा हैगा आड़तियां ने वोट पाती इहनूं भी साडे पैसे दबे होए निकलदे आ, उन्होंने तो इस गल च वोट पाती। किसानों ने यह पाती भी 5 साल का की हैगा, असी 5 साल चल इहनूं जिता दिओ अपना सारा सारा करजा माफ होगा, साडा कोई 5 पैसे नहीं इहने दिते, जिमीदार ने डाउन करते, लोग किस्तां भरनों हट गए। अज उन्होंने सर जी के सर 5 लाख से अज 10 लाख रुपया वो सिर होया पे। मैं शर्त वादे नाल कहना जाके बैंक का रिकॉर्ड फरोड़ लो। बापू जी वोट कर्ज माफी के आधार से दोगे या 5 साल मोदी साहब ने भी जो किसानों तो वादे किए? कर्ज माफी के हिसाब से लोगों ने जिमीदारा ने वोट पाई, सारे ने कर्ज माफी के हिसाब से वोट पाई, अज तो अगे कोई वोट पाएगा मैं नीवे संभाल। चलो हाँ जी, सब तो बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा है, जिहड़ा कहिंदे सी घर घर नौकरी देवांगे, 26 लख बेरोजगार पंजाब दे विच वेले बैठे है, इन्हां ने एक नूं भी नौकरी नहीं दित्ती, 2 साल हो गए किसी नूं नहीं नौकरी मिली। फिर जी आधे कांग्रेस पार्टी वाले भी खड़े हैं तो मेयर साहब भी खड़े हैं, 10 साल पहला अकाली दल रह चुके हैं, इन्होंने जिहड़ा मैक्स होस्पिटल है इन्होंने कहा सी गरीबां दे कैंसर दे इलाज वास्ते फ्री होगा, इन्हों क्वेश्चन किया जाए भी क्यों फ्री है, इन्होंने उन्होंने बेचता मैक्स होस्पिटल का थर्मल प्लांट बेचने की कोशिश करी जाते हैं। पहला अकाली सरकार ने कोशिश की थी, ते हुण जिहड़ी हैगी मनप्रीत बादल जां इन्हां दी कांग्रेस सरकार हुण थर्मल प्लांट बंद करता, तो यह बिजली की गल करते भी असीं सरप्लस करती जां घट घटाती। मनप्रीत बादल ने मैनीफेस्टो विच वादा किया सी भी मैं 5 रुपए यूनिट दूंगा, तो 5 रुपए यूनिट तो कितने रहेगी, 10 रुपए यूनिट दई जाते। प्रीत बादल ने वादा यह भी किया कि चिमनिया का धूं बंद नहीं होएगा सगों दूजी का भी चलेगा। हाँ जी, ये कहते हैं भी अकाली तो कांग्रेस रले हुए है तो आम आदमी दिल्ली च क्यों मिन्नत करी जाती है कांग्रेस दियाँ, जे उन्होंने इन्ने काम करे है तो फिर आपके दम से लड़े तो चोन जीते। ठीक है, हाँ जी, मैं जी पहला गर्ग साहब न बेनती करूँगा कि उन्होंने कहा कि जोड़े बेसिक लोड़ा ने वो साड़िया जड़िया बेरोजगारी वास्ते है, तो नशे जोड़े स्टूडेंट नशे च पे है जा हो गया भी इन्होंने कोई कम 2.5 साल की किया, इन्हों पुछना चाहिए कि तुम 2.5 साल के इतने की किया है। ठीक है, 2.5 साल की किया, लेकिन उस तो पहले राजन जी वो वादा सीगा, मैंने याद एक रैली जी जनसभा संबोधित कर रहे थे मनप्रीत बादल, उन्होंने कहा थर्मल प्लांट के कोल क्या जी दूजी भी बंद पई है वह भी चालू कर देंगे, वो चालू तो की होनी सी जी पहली सी वह भी बंद कर दी गई। एक्चुअली रीजनल फैक्ट्स का तो मेरा ख्याल है सूबे के लोगों को छेती नहीं पता लग्या, सिर्फ एक ही गल उठती रही कि मनप्रीत बादल जी ने कहा चिमनियाँ चला देंगे चिमनियाँ चला देंगे, पर जे तुसी रिकॉर्ड कढ़ो सरकार बनन तो पहला पंजाब गौरमेंट ने सेंट्रल जिहड़ा इन्हां दा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का रेजुलेशनरी बोर्ड है उहदे नाल कुछ अजिहियां शर्तां अजिहियां एग्रीमेंट कर ले जिहदे नाल मौजूदा सरकार दे हाथ बन्ने गए ते ओ चीज़ां नूं लागू नहीं कर सकन विच ओ जिहड़े एग्रीमेंट सी ओ सहाई नहीं होए, पर फिर भी पंजाब सरकार ने इन्हां नूं बंद नहीं करन दी कोशिश कीती, दुबारा चलाउण वास्ते कोशिश कीती, जिहड़े मुलाजम सी उन्हां नूं दुबारा रीइंस्टेट करके जिथे जिथे सूबे च गल चलदी सी उत्थे कीती, और हजे भी अंडर कंसीडरेशन है
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਫਵਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਕੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਪਦੀ ਜੋਬ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾ ਲਈ। ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਲਾਗੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਥਰਮਲ ਦੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟ ਲੱਗਾ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰਹੇਗਾ ਬਲਵੰਤ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਕੱਲਾ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਛਲੋ ਰੋਪੜ ਖੁੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਥਰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੈਪਟਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਇਆ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ? ਹਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜੋ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਲਵੰਤ ਜੀ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਕ MP ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਮਜ਼ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਬਸ, ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਏਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ MOU ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਰੇੜਕਾ ਉਹ ਸੇਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੋਚਣ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੰਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੋਪ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਟਵੀਟ ਸਾਡੇ ਆ ਇਕੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਟਵੀਟ ਸਾਡੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਲੇ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿਖਦਾ ਇਕੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ। ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਦੇਸ਼। ਪਿੰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ 4th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ,
और बाहरलियां कंट्रियां अपनी मिन्नत कर रही हैं कि मोदी साहब तुसी साडे देश दे विच आओ। जो देश दी वधी है पर्सनैलिटी वो इस राज दे विच वधी है। पांच साल दे विच कोई घोटाला नहीं किया उन्होंने आम आदमी दे बगैर। रफेल वाला भी कहंदे कि वो है, रफेल दा कोई सबूत नहीं, कोई सबूत नहीं। वो कहंदे नोटबंदी घोटाला, नोटबंदी घोटाला, नोटबंदी कीती सी काले धन लई, नोटबंदी कीती सी काले धन लई। और जिहड़ा ये रफेल दा मुद्दा ये सानू बदनाम करने की कोशिश की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने सानू क्लीन चिट दित्ती है। रफेल बदनाम करने की कोशिश है। देखो जी जिहड़ा है मोदी सरकार है कि जुमलेबाजी की सरकार है। कल ने नवा चोण मैनीफेस्टो जारी किया है, उस मैनीफेस्टो च काले धन का कोई जिक्र नहीं, 2 करोड़ नौकरियों का कोई जिक्र नहीं। पहला कहते सी मंदिर इत्थे ही बनावांगे, हुण कहते संभावनावां तलाश करांगे। और मेयर साहब कह रहे हैं कि अपनी बीबा हरसिमरत कौर ने बहुत कुछ करता, वो लगातार फूड प्रोसैसिंग मंत्री है। पंजाब का किसान खुदकशियां कर रहा है, उसकी इनकम है नहीं, पंजाब दे विच कैंसर है। और एग्रो बेस इंडस्ट्री किन्ने लगानी सी, लगाई इत्थे सानू गल कर रहे। हाँ जी चौकीदार सानू घरों कढ़न नू फिरदा, कल्ला ओ हटा दो सारे मसले हल कर लै। ठीक है, आ एक बापू जी पिछे आए, पिछले साल भी मैनू बठिंडे मिले सी। हाँ जी बापू जी, दोवें कुछ कह रहे ने किसानां बारे, कहिंदे असीं बहुत कुछ कीता, असीं बहुत कुछ कीता। दोनों पार्टियां मेन नगियां जदों इलैक्शन आउंदे आ, दोनों पार्टियां जिहड़े मुद्दे लोकां दे ठाउणे आ उहनां तों भड़का के अपने एक दूजे दे विरोधी बोल देना। असीं पुछणा चाहुंदे आ अकाली दल वाला जिहड़ा खड़ा हैगा इत्थों, अकाली दल ने चोण मैनीफेस्टो 14 च जारी कीता कि किसानों की स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, साड़ी केंद्र दे विच सरकार आऊगी, असी धक्के नाल लागू करावांगे। 5 साल साड़ी बीबा जी उत्थे जाके मूँह नहीं खोलिया। इस तरह ही जिहड़ा मतलब साडे भारतीय जनता पार्टी ने अपने 14 चोण मैनीफेस्टो दे विच, चोण मैनीफेस्टो मतलब जानी दे विच जिक्र कीता है कि जे साडी सरकार आउंदी आ किसानों नूं असी पहल दे आधार ते लागू करांगे। लागू करन दी बजाए किसानों ने मतलब कोर्ट दे विच एप्लीकेशन दर्ज की पाई, पर ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਕਦੋਂ ਬਣਾਓਗੀ, ਤਰੀਕ ਦੱਸੋ, ਤਰੀਕ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿੰਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਐਤਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਐਤਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਮਾਨਣੀ ਨਿਆਏ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਆਰੋਪ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਈਡੀ ਵਾਲਾ ਬਰਾਡਾ ਕੋ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਟਕਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਨਵੇਂ ਕਮਲਨਾਥ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਫਸਿਆ? ਨਹੀਂ, ਦੋ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ? ਚੌਕੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਨ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। 5 ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮੈਂ ਦੋਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਹੀ ਬੋਲੂਗਾ ਜੋ ਕੰਮ
सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने, बीबा हरसिमरत कौर बादल जी ने, और सेंटर की सरकार जो कि साढ़े मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की तरक्की की है, जो सूबे तरक्की की है, वह अज तो 70 साल पहलों नहीं हो सकी। अगर जे अज हिंदुस्तान का नाम, अगर हिंदुस्तान का डंका दुनिया च बोलता है तो वह मानयोग नरेंद्र मोदी जी की अणथक मेहनत और ईमानदार नेता और जिहड़ा कि सारे वर्गों नूं नाल लैके चलता है। और जिहड़ी गल्लां कहण दीआं हैगीआं, मैं गल दसदा भी इह 70 साल तों इन्हें लगातार कांग्रेस ने राज कीता है। 70 साल इन्हां ने पाड़ो ते राज। बलवंत जी एक मिनट बलवंत जी, उन्हां बापू जी का सवाल सी स्वामीनाथन आयोग दा सिफारिशां लागू कराउण नूं लैके, तुसीं 70 साल की गल कर ली, पाड़ो ते राज करो की गल कर ली, वह सीधा सवाल सी भाई उत्थे जाके गल क्यों नहीं रखी। देखो सवाल यह है, गल सुनन दा हक, कहण दा हक सारयां नूं है। तुसीं देखो किसे कोले करजा किसे किसान ते घट हो सकदा है, किसे ते वध हो सकदा है, इस गल का तो सारा रिकॉर्ड है, सारा सिस्टम जा किसान वीरां नूं पता है जिह जा भी उन्हां दे घट वध करजा है। पर पंजाब सरकार ने, पर पंजाब सरकार, एक सवाल का जवाब दे लेंदे फिर तेरे नाल भी वड्डे भाई गल करूंगा, खड़ जा। पंजाब सरकार ने, मौजूदा कांग्रेस सरकार ने दो बार करजा माफी किसानां दी कीती। मैं कहना ये कहिंदे थोड़ी कीती है, मैं इन्हां दी गल मन लैना, सूबा इन्हां दी गल मन ले, पर असीं जुरत कीती किसानां दी करजा माफी कीती और दो बार करके दित्ती। कित्थे सी उदों बीजेपी, कित्थे सी अकाली दल, कित्थे सी आप वाले जिन्हां ने सदा मुद्दे रखे, किने जाके कड़ी स्टेट। पर राजन जी आ किसान सैटिस्फाइड नहीं है ना उस कर्ज में। मैं सहमत हां, एक किसान वीर आपकी गल कहण दा हक रखदे है, पर जिहड़ी गल मैं तुहानू कहना ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਆ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 2 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 90 ਹਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੁਮਲੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲੇ ਬੀਮੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ 200 ਰੁਪਈਆ MSP ਵਧੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਮਾ ਕਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਬੀਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਰਾਓ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ
भी सरदार प्रकाश सिंह बादल पांच वारी मुख्यमंत्री रह गए, उन्होंने जेड़ा काम किया किसी ने नहीं किया, जेड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करवाई है ते दोषियों नूं सजा नहीं दवाई, उन्होंने बचा रहे हो प्रकाश सिंह बादल ही बचा रहे हैगे कांग्रेस दी। ठीक है, ठीक है। उदू बाद गया आई जी कुमार प्रताप की इन्हों ने बदली करवाई बीजेपी की, शायद बीजेपी वाले तो सैकंड पूछना चाहना, कांग्रेस ने किसाना माफी की, किसाना का कर्जा माफी की गलत की, मोदी साहब तो हजे तक कही आते भी कर्जा माफी हो ही नहीं सकती। ठीक है, खर्ड मैं आम आदमी पार्टी पूछना चाहना, यह कहते साढ़े बंदे पट ले, पहली गल केजरीवाल साहब उसे स्टेटमेंटा दई जाते भी जे कांग्रेस साढ़े अलायंस नहीं करती, शीला दीक्षित नहीं करती, बीजेपी को फायदा दवाएंगे। ठीक है जी, क्यों अलायंस कर रहे फिर यह, फिर पंजाब दे विच तुसी कह रहे हो भगवंत मान सिंह तुहाडे किहड़े प्रधान आ गए, उह ते धार्मिक समागमां दे उत्ते दारूआं शराबां पी के जा रहे आ गए, आपदे बंदे तुहाडे तो सांभे नहीं जा रहे गए, टुट पार्टी जो हो रही है। हां जी, आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। मैं कांग्रेस सरकार तो पूछना चाहना, यह कहते हैं खजाना खाली है, खजाना खाली है, मंत्रियों इन्ह ने गड्डिया दे दी नवी तनखावें, इन्हें सारे मंत्रियों को बधा लिया, इन्होंने सारे मंत्रियों की तनखावें डबल डबल कर लिया, कि हजे कहते खजाना खाली है। ये अकाली दल तो कांग्रेस सरकार हैगी है, ये कहते भी किसान सही गल खुदकुशियां कर रहे उन्होंने जी स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, पर यह दोनों सरकार ने पूछो 70 साल व्यापारियों ने की किया, अज व्यापारी मैं क्या हर जगह से वड्डे वड्डे जो सरमाएदार बैठे है उन्होंने जेबा भर रहे हैं, तो इन्होंने दोनों पार्टियों ने कर की करो, ये बेअदबी कली अकाली ने की, कांग्रेस ने भी की, राजा भी उन्ना ही दोषी है, इन्हें भी गुटका हाथ चक के अपने तलवंडी सब बारी मूह करके कहा, सब तो वड्डा दोषी राजा भी है, कांग्रेस भी उन्नी दोष है, किहड़े विकास की गल करते, उन्होंने सड़कों से जिते साडे बेरोजगार नौजवान पुत मरते हैं नशीड़ी होकर, यह किहड़े पुणा की गल करते जिते अन्नदाता करजई होकर मर रहा है, यह जे विकास की लोड़ नहीं, दोनों पार्टियां ने रज के किसानी ते जवानी नूं बर्बाद, किसानी ते जवानी बर्बाद हुई दोहां सरकारां ने कीता, आ रहा बेटा साहब किसानी ते जवानी दोवें बर्बाद। देखो जो कोई गौरमेंट बनती है वो जो लोगों की समस्या है उसनों आपां लगातार हल कर रहे हैं, और मेरा ख्याल अपनी जरूरत इन्नियां हो गई कि जिहड़ी जरूरत आपां इन्नियां वधा लईआं ते जिहड़ियां सरकारां ने उस जरूरतां नूं पूरियां टाइम नाल टाइम टू टाइम कर, सरकारां वादे क्यों वधांदियां अपने लोकां दियां जरूरतां पूरियां नहीं कर सकदियां, पर वादे वधदे ने सारियां सरकारां दे सारियां पार्टियां दे। एक चीज़ है भी अगर जे इन्हां नाल वादा कीता होवे बीबा हरसिमरत कौर बादल जी ने भी इत्थे एम्स लैके आवांगे वो दिखा दिओ, जे इन्हां नाल वादा कीता वे जे इत्थे कैंसर हॉस्पिटल सर्च कैंसर हॉस्पिटल खोलांगे वो कोई वादा नहीं कीता लैके आए सी, जे मैरीटोरियल जे इत्थे कॉलेज लैके आए हैं जे कोई वादा कीता होवे ते ओ दिखा दे उस तरह लैके आए हैं। देखो सवाल ये है भी जेडे वादे कीते उन्दे उस तो अगे होके काम कीता है, और मेरा ख्याल अज दसन की लोड़ नहीं पंजाब दे अंदर, मेरा ख्याल सारे नू पता है कि पंजाब दे अंदर डिवेलपमेंट भी हुई है, पंजाब खुशहाली च भी है, तरक्की च भी है, इलैक्शन स्टंट है, इलैक्शन स्टंट दे इलैक्शन च जो मर्जी कही जावां मैं खड़ के इत्थे, तो जे किसी जवाक नूं पुछदे बच्चे नूं पुछदे कि जवान नूं बजुर्ग नूं पुछदे वह भी कहिंदा भी डिवेलपमेंट हुई है और तरक्की ते आए हैं असीं, अगर जे इलैक्शन दे अंदर आपां के गल ही बनानी उहदा तां कोई लाज नहीं हैगा। कि नशा भी खाली गल ही सी, कोई मसला नहीं सीगा, कोई जवानी बर्बाद नहीं हुई। देखो सवाल रहा नशे का, जिहड़ा नशा हैगा अज वह हाल है, हुणी दी गल है कि फौजी साहब ने टीका लाया बेचारा उत्थे डैथ हो गई उहदी, मैं कहांगा अज नशा इन्ना विक रहा घर घर विक रहा है, और हुणी कह के हटे ने उह वो कहते उन्होंने जोड़ा हैगा एक गुटका साहब की सहु खाधी है और भी नशा बंद कर देंगे, अज गलिया च नशा वेक रहा, हर थान नशा वेक रहा, और ये जी जो इन्होंने वादा किया कांग्रेस सरकार ने कैप्टन गौरमेंट ने कि असी इन बिल्कुल नशे को बंद कर देंगे खत्म कर देवे, पर हले तक मैंने कहते खत्म नहीं लगा। राजन जी सवाल वड्डा है कि एक सवाल उतो आया कि जिन्हें तुम कहते हो अकाली दल दोषी है बेअदबी का, उन्हें राजा साहब भी दोषी ने चूंकि उन्होंने भी सहु खाधी से, जेकर कोई इंसान सूबे च होई बेअदबी की इनकुआरी करवाउंदा है हर बंदे नूं उस सिट दे अंदर पेश होना पैंदा है, जे फिर भी असी दोषी हैं कांग्रेस वाले फिर असी इन्हां दी गल मन लैने असी दोषी हैं, पर जे सिट चलदी है सब नूं उत्थे बुलाया जांदा है सारयां नूं कलमबंद किया जांदा है, जिहड़े इस सूबे दे वड्डे वड्डे अफसर जिहड़े आई जी एस एस पी डी आई जी जां कोई होर वड्डे अफसर अधिकारी सी उन्हां नूं परचे दर्ज किए गए, सुखबीर बादल ते उहदी टीम हजे तक सिट मूहरे पेश नहीं हुई, कदे कचहरी जाती है कदे किते गुरु की कचहरी का सब ने जाना है,
गुरु की कचहरी सही मन के सिट मूहरे पेश होंगे और सिट न अज बदलवाया उस इलेक्शन कमीशन जिहड़ा मोदी के हाथों खेलता सी उस इलेक्शन कमीशन तो सिट का जिहड़ा इंचार्ज सी उन्हूं बदलवाया। कोई भी आप वाले ने कोई बोले भी सिट का क्यों बदलिया, असी कहने हैं उन्हूं दोबारा लाओ, असी मंग की है पार्टी ने साडी इनक्वायरी पूरी होण दो। कैप्टन साहब ने बेअदबी नूं रोकण वास्ते जिन्हें भी बेअदबी की है सरकार कोई होवे किसे पार्टी का नुमाइंदा होवे किड्डा अधिकारी होवे उन्हूं गुरु की ताबिया जाके दा शरण नहीं मिलनी जिन्हें बेअदबी की है। पर जिहड़ी गुटका साहब जिहड़ी गुटका साहब की सौ थी उहदा उह भी दसदा है, पर जे गुरु महाराज ने बख्शिश की गुरु महाराज की ताबिया साड़ी चली जां गुरु महाराज की ताबिया साड़ी बख्शिश हुंदे होए असीं इमानदारी नाल काम करदे होए तां बेअदबी दा दुध ते दुध पानी दा पानी इत्थे करके जा। मैं गुटका साहब की सौ की गल कर रहा उहदा तुसीं जवाब नहीं दे रहे और गुटका साहब के सौ की भी मैं थोड़े कोल आउंदा बहुत स्पष्ट लभदा चाहुंदा असीं गुटका साहब की सौ चक्की असीं सच्ची सिख होने के नाते गुटका साहब की सौ चक्की पर किसी को भी यह जी जादू की छड़ी नहीं होंगी भी खुल जा सिम सिम जा बंद हो जा सिम सिम घंटे च कर दूंगा। असी पूरे सूबे दे विच हजारा हजारा डेग प्लेडर अंदर किते और सब कुछ किता। एक मेरी गल हो रहा है मेरे वीर ज्यादा बोलते हैं पर तुसी मेरे सत्कारयोग भरा हो केजरीवाल साहब ने मजीठिए ते केस किया और जो परचा हुंदा सी माफी मंगी कचहरी जाके की कहणगे ये नशे बारे बोलते हैं केजरीवाल साहब ने माफी मंगी जाके लगता वो माफी ठीक सी पहला ये कहते हैं भी जादू की छड़ी नहीं होंगी तो चार हफ्ते क्यों ले दूजे ने तो यह पूछना चाहते जो 5 लाख लाज फ्री वाली स्कीम है तो इतने क्यों नहीं लागू करते। बादल साहब ने मोटर के बिल माफ करे हुण तुसीं मोदी साहब नूं कहिंदे 1100 रुपया नरमे का रेट बढ़ाया 200 रुपया झोने का रेट बढ़ाया हुण 60 साल तो बाद किसानों की पेंशन लागू होगी 6000 पेंशन तो इन्होंने शुरू करती इन्हों तो 70 साल हो गए पेंशन भी नहीं शुरू की गई आने वाले टाइम च बधूगी कांग्रेस वाले की बोलणगे। चल मैं कहना भी किसानों दी हजे होर बहुत मंगा जिहड़ियां पूरियां करनियां ठीक है मोदी का एक ही जवाब है इन्हां कोले ठीक है उहदा जवाब मैं लवांगा तुहाडे तों। अरे अरे लगता है कि बई बेअदबी के मसले नूं लैके दोवें सवालों के घेरे छक और एक दूजे ते जिहड़ी गेंद उह सुट्टी जा रही है। देखो जी मैं तो यह समझदा जो साढ़े श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है वो पिछे अकाली दल तो पूर्ण तौर पर जिम्मेवार है उन्होंने 10 साल राज दे विच जो उन्हें बेअदबी करवाई और कांग्रेस को जिम्मेवार अस तां ठहरा रहे हैं कि 2 साल लंघन के बावजूद भी अज तक वो किसी भी जो है उस जिन्हों फड़ना असल दोषी सब नूं पता है भी कौन असल दोषी है तो किनू फड़ना चाहिए उन्होंने फड़न की बजाय सैट बिठा देंदे है सैट तोड़ देंदे है सिर्फ इन्हां कम्मां ते लगे हुए है। ये सरकार सिर्फ तो सिर्फ धर्म के नाते वोटां बटोरदे है दोनों रल मिल के। तो मैं एक गल होर कहना चाहना मेरे सारे वीर बैठे है साढ़े तो की एलीगेशन लगते हैं कि केजरीवाल साहब ने माफ़ी मंग ली जी साढ़े तो की एलीगेशन लगते हैं केजरीवाल साहब ने ट्वीट करता जी असी एक बस तो 1000 बसा तो नहीं बनाइया असी रेते दिया खड्डा में हिस्सा तो नहीं पाया असी पंजाब के किसानों का खून चूस के उन्होंने खुदकुशियां करने मजबूर तो नहीं किया असी गरीब लोगों का खून चूस के उन्होंने गरीबी के कुराहे तो नहीं पाया सानू दस दिन असी पंजाब दे विच कहड़ी बेईमानी की है साढ़े सिर्फ ट्वीट के इल्जाम लगते हैं। सर पंजाब तो थोड़ी सरकार ही नहीं है ना फिर बेईमानी कितों आऊगी दिल्ली ते तुसी विरोधी धिर मुख विरोधी पार्टी के तौर पर तुसी दो फाड़ हो गए अजे तो सरकार ही नहीं है दिल्ली दे विच है दिल्ली दे विच साडी सरकार है सुन लो प्लीज सुन लो प्लीज सुन दी हिम्मत रख्या करो सर थोड़े तो समझ जावांगे। एक सवाल उस पासों एक सवाल आया सी कि सन्नत नूं लैके की कीता नोटबंदी या GST तुसी सर्जिकल स्ट्राइक की गल करते हो रिस्ट्राइक की गल करते हो 56 इंच के सीने की गल करते हो वो जड़े इतिहासिक फैसले दसे सी GST और नोटबंदी वोदे ते वोटा क्यों नहीं मांगते BJP वाले अंदर जाके। देखो जेड़ा GST सीगा उस दे विच GST तो बाद असी लगातार लोगों के गए हैं सिर्फ विरोधी धर वालों बनाया हुआ नाटक सी व्यापारी वर्ग ने इस ओबलाइज किया उस तो बाद स्टेटा के सरकार है कि मैं जवाब दूंगा और नोटबंदी का जो फैसला सी नोटबंदी दे विच जिनी अपनी डुप्लीकेट करंसी सी वो सारी निकल गई जिहड़ी पाकिस्तान ने साजिश रची सी अगे अपना 1000 का 500 का नोट डुप्लीकेट हुंदा सी अज कोई 2000 का या 500 का डुप्लीकेट नोट आया नहीं है झूठ है। एक मिनट मैं गल दसदा गल यार सुन की हिम्मत रखो एक मिनट सुन की हिम्मत रखो इधर भाई साहब ने एक मिनट भाई साहब ने गल की थी कि उन्होंने सरदार जी ने कि साडियां गलियां नालियां सड़कां नहीं बनियां
मैं इन्हों पुछना चाहना भी हिंदुस्तान के जो चौ मार्गी विकास हो कहते सड़क से आप गए हैं हूँ कहते बे लोग जो एक्सीडेंट के मौत में मारे जाते थे वो बचे कि नहीं बचे टोल टैक्स लगता है। एक मिनट तुसी केड़ी वो चंडीगढ़ वाली सड़क की गलते नहीं कर रहे एक मिनट ओ बठिंडे तो चंडीगढ़ की सड़क की गलते नहीं कर रहे जिते आन जा का टोल 500 तो उत्ते है बिल्कुल कर रहे हैं जी बिल्कुल कर रहे हैं। देखो जरा जो देश की किसी भी आप किसी तरह की जे 500 रुपये न अपनी जान की कीमत आप लाने तो तुम वो टोल टैक्स की गल कर सकते हैं। अज तक एक्सीडेंट नहीं होया पहला बे जे बेरहम लोग मारे जाते थे कोई भी एक्सीडेंट नहीं होया और समय की बर्बादी जी बची है। कला यह नहीं जमुना एक्सप्रैस वे और जिन्या सड़क चौ मार्गी बनिया इन्हों चो एक बंदा शाबाश देने का हकदार ठीक है मैं जाना इन्हों को वापस हाँ जी जेडे कहते सड़क बनाई है वो जरा पुल जिथे भी उतरता उ अंबानी का पेट्रोल पंप हों अंबानी का माहौल होंगे तुम कि वास्ते बनाया हो। हाँ जी हाँ जी एक असी भाई ने सवाल किया कि आ बकायदा लिखती दिता से सानू मोदी साहब ने तीन महीने का समा दिया कि सानू तीन महीने का समा दे दो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करा लागू करने की बजाय आप जे 14 फसलों के तोड़ के दिते 200 की गल कर रहे 170 रुपये दिते झोने के कला झोना खरीदा केंद्र सरकार ने कला झोना खरीदा बाकी 12 फसल कोई सरकार ने नहीं खरीदिया सानू दस दो कि फलानी फसल। हाँ जी एक वीडियो सी 2014 दी मोदी कह रहा जो मेरी सरकार बन गई सब तो पहला किसानों का कर्जा माफ करूंगा वो किथे आओ पिछले समय दे विच असीं दिल्ली नूं गए सी जदों असीं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी तो रेट मंगण वास्ते गए सी साडियां फसलां दे उदों सानूं कांग्रेस सरकार ने रोकिया जिहड़ी कांग्रेस सरकार कहिंदी असीं किसान हितैषी हैं जदों असीं चंडीगढ़ दे विच पिछे गए हैं उदों सानूं केंद्र सरकार ने उत्थों पूरी तकलीफ दी है भी पंजाब दे चंडीगढ़ दे विचों मोहाली दे विचों किसानां नूं ठा दिओ इन्ने घंटिआं दे विच जिहड़ियां सरकारां कहिंदियां वी असीं किसानां दा हर पक्ष तों मदद करांगे हर पक्ष तों असीं किसानां नूं रियायत देवांगे उह किसानां नूं रोकण दे विच इन्नी इन्नी पावर आपदी दिखा रही हैं ते किसानां नूं इन्नी तकलीफ दे रही हैं जिहड़ा सब तों जरूरी है पाणी ते बिजली जिंदगी दा सब तों अहम मुद्दा है उहनूं इह रोकदियां हैं ते किसानां दी फिर मदद कित्थे करदियां नंबर एक नंबर दो जिहड़ियां इह कहिंदे असीं मोटरां दित्तियां बादल साहब ने दित्तियां भारतीय किसान यूनियन नूं जां किसे होर किसान संस्था नूं दित्तियां 1983 दे विच मैं रजिंद्रा कॉलेज अपना डीएवी कॉलेज दे विच पढ़दा सी बादल पिंड दे मुंडे साडे नाल पढ़दे सी असीं उहनां नूं पुछिआ उहदे कोले किन्नी जमीन है किन्नियां मोटरां 1983 दे विच उहनां ने दस्सिआ कि बादल दे 62 मोटरां है किहड़े किसान दे मोटरां लगियां सी जे कहिंदे वी किसानां नूं बिजली दा जिहड़ा बिल है मोटरां दा माफ कीता 1983 दे विच बादल दे 62 मोटरां सी ते हुण 2019 दे विच किन्नियां होणगीआं आम किसानां नूं किन्नी राहत मिली आ सवाल है वड्डा सवाल एक नौजवान भी है मैं तो एक ही पुछदा जी साडा 15 लाख किद्दे आऊगा साडे अकाउंट च पैसे कट्टे जा रहे सगो दी जिहड़े जे घट जाए ना वो पैसे उल्टे कट्टे जा रहे 2000 रुपए का भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी नूं ते जीएसटी नूं आपदे मैनीफेस्टो च शामिल करे जे उहनां नूं इह फैसला सही लगदा ना आपदे मैनीफेस्टो च शामिल करके वोट मंगे हुण इधर आ रहे। हां जी भाई साहब ਤੁਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹ ਦੇਾਂਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕੱਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਲਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੌ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਦਾਲਤ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਓਏ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰੇ ਨੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀਰੋ ਮੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਖੜੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕਰਤੂਤੀ ਵੱਡੀ ਜਿਠਾਣੀ
ना इन्हां दी करतूतां देखिए वो मैं जाहिर कर लिया। सब तो पहला कांग्रेस पार्टी ने सेंटर दे विच 10 साल राज कीता। स्वामीनाथन कमीशन की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने की, 6 महीनों का स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का विश्वास दवा के 10 साल राज की फैल स्वामीनाथन ने रद्दी टोकरी च रखी। 2014 दी लोक सभा दी इलैक्शनां दे विच वादा लैके आया मोदी, मैनू वोटां पाओ मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा। 5 साल राज कर गया रद्दी टोकरी दे विच रखिया। चोण मैनीफेस्टो दे वादे लैके आउंदे आ उहदे विच उह की हुंदा एक जुमलबाजी। आ हुण कांग्रेस पार्टी वाले मैनूं जवाब देण इस गल दा, इन्हां ने चोण मैनीफेस्टो आपदा जारी कीता है किसान दे सिर चढ़े करजे नूं असीं उहनां दे उत्ते कोई कारवाई नहीं होण देवांगे। इहदा मतलब भी असीं राज करांगे किसान दे सिर करजा उवें ही रखांगे, करजा उवें ही रहेगा और राज होंदा रहेगा। अखीरले कमेंट लै लेना राजन जी, करजा उवें ही रहेगा राज होएगा, सिर्फ पार्टियां बदलणगियां लेकिन हालात नहीं बदलणगे। कुछ पार्टियां दे चुनिंदा बंदे अगर ये दोष लाउणगे इहदे नाल सच्चाई नहीं बदल जांदी। मैं पहला भी कह के हटिया कि कुछ चुनिंदा पार्टियां दे नुमाइंदे दोष लाउण उहदे नाल सच्चाई नहीं बदलती। दो बार कैप्टन सरकार ने कांग्रेस सरकार ने पंजाब दे किसानां दे करजे माफ़ी दियां लिस्टां जारी करके पैसे उन्हां दे खात्यां चों जो भी बैंकां दा सिस्टम सी वह करन दी कोशिश कीती है। ये नहीं कि इको रात छोड़ना है, हजे 3 साल पए है, यकीन रखन इन्हां दी कोई गल जाया नहीं जान दिंदे, 3 साल हजे पए है। आए ना करन जिहड़ा इन्ने चिरां दा करजा है, आखिर जिहड़ा तुहानूं करजा देना है किसे होरां दा हिस्सा भी हो सकदा है। पूरे पंजाब दे मुलाजमां नूं मैं हुण बाकी मसलियां ध्यान ना चुके, समां घट है। बलवंत जी आ रहे, बलवंत जी हुण टिकट किन्नू दित्ती जा रही है, वापस बीबा जी सेवा करनगे या कोई होर कैंडिडेट आएगा, उहदा ते थोड़ा जिहा जवाब बठिंडे दी जनता नूं दिओ। देखो श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी वालों बीबा हरसिमरत कौर बादल ही इतों के कैंडीडेट ने, ओह ही रहेंगे और वह जितने भी और सेंटर च मोदी सरकार च वजीर भी बनेंगे। और जिहड़ा कि मैं कहांगा कांग्रेस की गल करदा है, ये देख रहे ने बई उहदे लेवल का किहड़ा लीडर मिले, किते ते जाके भाड़दे ने दिल्ली कितने जम्मू वग जाते वो नाल का लीडर केड़ा है, पर लेकिन बीबा हरसिमरत कौर बराबर का लीडर नहीं मिलना। जिदा साहब आ रहे हैं, बेटा सी जिदा साहब, खैरा साहब कितना खेड बिगाड़नगे थोड़ी पार्टी का खास तौर पर या किसी होर का बिगाड़न आए ने? खैरा साहब के पिछे जो हाथ ने ना जी वो बड़े बड़े हाथ ने, बड़िया साड़ी पार्टी नु खराब करने के लिए और साड़ी आम आदमी पार्टी नुकसान पहुँचाने किया। पर मैं एक गल कहना चाहना, लोग बहुत सियाने हैं, बठिंडा लोक सभा के जोड़े लोग है ना वो जिथे भी हूँ जाते पिंड सवाल करते हैं भी तुसी आपदे हलके का की किया दसो, जा उत्थे क्यों नहीं इलैक्शन लड़ी, इतने इलैक्शन क्यों लड़ना आए हो, तुहाडा की कारण है। तो मैं एक तो गल फिर कहांगा, खैरा साहब सिर्फ तो सिर्फ इतने सिमरनजीत कौर हरसिमरत कौर बादल जी जिता आए, होर उन्हों का कोई कारण नहीं। उन्होंने वोट पता नहीं 5000 पैनी है 4000 पैनी है, तो सिर्फ तो सिर्फ उन्होंने ये इतने काम करना, वो दिन रात ला के कर रहे हैं, होर उन्होंने कोई मकसद कोई। पिंडा साहब अखीर लग मिनट, बहुत घट शब्दों कि विकास बठिंडे का होगा, बठिंडे का विकास जिहड़ा एम पी जितेगा, बठिंडे का विकास मैं कह सकदा कि पिछले साल जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की श्रोमणी दल सरकार रही है, बठिंडे का जिन्ना विकास हो बठिंडे के लोग गवा रहे, और जदों का मतलब कि कांग्रेस सरकार आई है इन्होंने उत्थे विकास का जोड़े काम है रुके गए हैं, और इन्हों का वार बार यही कहना है कि खजाना खाली है। जिस सरकार ने सरकार चलानी होंगी है, जे मोदी साहब अज कह दें हिंदुस्तान का खजाना खाली है कि वह सरकार चला लेंगे? खजाना तो गल्ला है जो भरदा भी है और खाली भी होंदा, पर सवाल वड्डा है कि बठिंडे की जनता 19 मई नूं किदे हक च वोट पाएगी और 23 मई के जिहड़े नतीजे ने किदे हक च आणगे, पर सवाल वड्डा है कि वाकई बठिंडे हल्के की जनता दीआं समस्यावां दा हल होएगा जां नहीं। इजाजत दिओ, धन्नवाद, सति श्री अकाल। कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़े हो गया। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।